आज हम बनाने जा रहे हैं तड़का रवा इडली, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और आज हम इसे कटोरियों में बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे बनाना। तड़का रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 1 कप जितनी सूजी। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3/4 कप जितना दही। दही जो आप में इसमें यूज़ करें वो खट्टा होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना नमक, या अपने स्वाद अनुसार। तीनों चीज़ों को डालकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जो सूजी है वो मोटी या बारीक कैसे भी यूज़ कर सकती हैं। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मैंने यहाँ पर मिला लिया है। अब हम इस सूजी को फूलने के लिए रखेंगे। तो हम इसे ढक देते हैं और सूजी को 1/2 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सूजी फूल रही है तब तक मैं गैस पर एक पैन चढ़ा देती हूँ और इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितने राई के दाने। इसे हल्का सा चटकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी उड़द दाल, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जितनी चना दाल, थोड़े से कटे हुए काजू, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते, थोड़ी सी हींग अच्छे फ्लेवर के लिए। सभी चीज़ों को डालकर इन्हें एकदम धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जब तक दाल जो है वो हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। याद रखें, गैस के फ्लेम को एकदम धीमा ही रखें और इसे अच्छा कलर चेंज होने तक भुनने दें। कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे दाल का कलर अच्छा चेंज हो चुका है और सभी चीज़ें अच्छी से भुन चुकी हैं। तो बस यहीं हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसे गर्म गर्म सूजी के बैटर में बिल्कुल ना डालें। जब तक तड़का ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी कटोरियों को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी कटोरियाँ ली हैं, आप अगर चाहें तो थोड़ी बड़ी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं, बस उससे इडली का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी सभी कटोरियों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारी जो इडलियाँ हैं वो कटोरी से आसानी से बाहर आ जाती हैं। अगर आप इडली स्टैंड में बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस आप इडली स्टैंड के साथ करें, उसे घी से ग्रीस कर लें। तो यहाँ कटोरियाँ ग्रीस होकर तैयार हैं। अभी गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप जितना पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे इस तरीके का एक स्टैंड, साथ ही रखेंगे एक प्लेट। ये मैंने छेदों वाली प्लेट यूज़ की है, आप चाहें तो प्लेन ले सकते हैं। अगर आप इडली स्टैंड में बना रहे हैं तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कवर कर देंगे और इसे अच्छे से प्री हीट होने देंगे। जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हमारा यहाँ बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल चुकी है और हल्की टाइट भी हो गई है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को हल्का पतला करेंगे। पानी एकदम नॉर्मल लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पर। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हल्का पतला कर लें। याद रखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है आपको इस बैटर को, आपको इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। अब हम इस बैटर में अपना वो तड़का डाल देंगे जिसे हमने कुछ टाइम पहले तैयार किया था। पूरे तड़के को इसमें डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो तड़का इडली होती हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अभी सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच जितना खाना सोडा, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह आप इनो डाल सकते हैं। 1 चम्मच जितना आप कोई भी नॉन फ्लेवर इनो डाल दें इसमें। अब हम इसे अच्छे से एक डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। याद रखें, कभी भी आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मिक्स ना करें। इस तरीके से एक डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ ही टाइम में जो सूजी का बैटर है वो हल्का फ्लफ़ी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम अभी इसे हम नहीं रखेंगे। इस बैटर को जल्दी से उन कटोरियों में डाल देंगे जिसे हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। कटोरियों को पूरा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि पकते टाइम इडली फूलती है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे ऊपर से। तो यहाँ मैंने पूरी कटोरियों को अच्छे से भर लिया है। बचे हुए बैटर को ढक देंगे जिससे हम बाद में इडली बनाएंगे। हल्का सा टैप करेंगे इसे और अब हम इन्हें पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो इस गर्म गर्म कढ़ाई में हम अपनी सारी कटोरियों को रख देंगे। 1 कप बैटर से मैं यहाँ पर 6 से 7 इडली बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि कटोरियों में साइज़ थोड़ा मोटा बनता है। तो अब हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए तेज आँच पर पकने देंगे।
अगर आप थोड़ी बड़ी कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिनट के लिए भी पका सकती हैं इसे। 15 मिनट के बाद एक चाकू डालकर इसे चेक करेंगे। अगर चाकू एकदम साफ़ आ रहा है यानी इडली अच्छे से पक चुकी हैं, तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर इडलियों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। गर्म गर्म इडलियों को कभी भी ना निकालें। जब इडली अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हम इन इडलियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अब हम इन इडलियों को एक चाकू की सहायता से हल्का हल्का इस तरीके से अलग करेंगे इस कटोरी से। इसे हल्का सा अलग करने के बाद अब हम इसे उल्टा करके हल्का सा टैप करेंगे। देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से हमारी जो इडली है वो कटोरी से बाहर आ चुकी है और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली आई हैं। क्योंकि ये तड़का इडली है इसीलिए इसका टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे बिना सांभर या बिना चटनी के ऐसे भी खा सकते हैं। तो अभी सेम इसी तरीके से हम बाकी सारी इडलियों को भी कटोरी से बाहर निकाल लेंगे। तो आपको आज की इडली की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।